आप सब फ्रेंड को ईद मुबारक। वालेकुम। अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों को, हम सब की तरफ से, घर वालों की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक कबूल हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सब लोगों को अल्लाह पाक नसीब करे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत अच्छी डिश, स्वीट डिश में बनाना सिखा रही हूँ। आज मैं आपको फिन्नी बनाना सिखा रही हूँ। फिन्नी के लिए मैंने 3 किलो के करीब मैंने दूध लिया था। इसको मैंने उबाल लिया था। 1 कप हम मिल्क पैक क्रीम लेंगे। मिल्क पैक वालों की क्रीम है ये, मिल्क पैक की क्रीम मैं लूँगी। और बादाम की गिरी है और इलायची है, हसबे ज़रूरत इलायची ली है। 1 कप मैंने चीनी का लेना है। इसको 5 टीस्पून के करीब चीनी है ये, और 1.5 पाव के करीब खोया है, और 1 मुट्ठी के करीब मैंने, बिस्मिल्लाह, 1 मुट्ठी के करीब मैंने चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो लिया था। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से चावलों को धोऊंगी और धो के फिर पीस के आपको दिखाऊंगी किस तरह मैंने चावल शामिल करने हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। दूध उबला हुआ है हमारा। दूध को फिर दोबारा हम उबलने के लिए रखते हैं, फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे और चीनी शामिल करके, इलायची शामिल करके आपको बताऊँगी किस तरीके के साथ, सब के साथ हम ईद मनाएँ। मैंने चावल लेके अच्छे तरीके से पहले मैंने धोए और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। चावलों को इतना बारीक करना है कि एक छोटा सा दाना नज़र आए चावलों का। अब मैं इसको दूध में शामिल करूँगी। हमने चूल्हे पे रख दिया है दूध को हमने, और हम इसको एक चमचे की मदद से अच्छे तरीके से, मैं ये इन सबको मलाई को जो लगी हुई साइडों पर, ये आप अपने मेहमानों के लिए बनाएँ, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, वो ईद की खुशी दोबारा हो जाएगी उनकी। और बहुत ही मज़ेदार ये फिन्नी बन रही है आज की। मकदार को ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली ज़्यादा आ रही है। जिस तरीके से मैंने चीज़ें डाली हैं, इसको आप थोड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा करके ज़्यादा फिन्नी भी बना सकते हैं। किलो के दूध की बनाइए, और इसमें मैंने 1.5 पाव खोया शामिल करूँगी, 1 मैं मिल्क पैक क्रीम शामिल करूँगी इसके अंदर, बादाम की गिरियाँ हसबे ज़रूरत डालूंगी, इलायची डालूंगी, चीनी हसबे ज़रूरत डालें, कोई फीका पसंद करता है, कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, अपनी पसंद के साथ। आज ईद का दिन अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरे, और बहुत ही आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक खुशियाँ अता करे। दूध मैंने अच्छे तरीके से बॉयल किया हुआ था दूध को। अब मैं इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसका ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, मैंने आपको बताया था हल्का सा दाना है इसके अंदर, और वो मैं बिल्कुल बारीक सा, जिस तरह ये देखें बिल्कुल बारीक है ये, अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मुट्ठी के करीब मैंने चावल भिगोए थे, ये मैंने शामिल कर दिए। आपने इसके अंदर चमचा ज़रूर चलाते रहना है, चमचा नहीं ये बिल्कुल भी छोड़ना, कि आप चमचा छोड़ के तो आप किसी काम के लिए लग जाएं तो वो जो है फिन्नी, वो फिर फिन्नी नहीं बनती, वो सही फिन्नी नहीं बनती। आपने चमचा चलाते रहना है इसको, और अच्छे तरीके से फिन्नी को पकाना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा और मज़ेदार आएगा। हमारा ये फिन्नी जो है पकनी शुरू हो गई है। ये देखें दाना आपको नज़र आ रहा होगा चमचे पर, ये इस तरह बारीक बारीक सा नज़र आएगा आपको फिन्नी के अंदर, इसी तरह से लम्स नज़र आते हैं इसके। बहुत अच्छे तरीके से ये पक रही है। ये जितनी फिन्नी हमारे लिए बनेगी, पकेगी, उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार होगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये फिन्नी जो है पकनी शुरू हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पक रही है। इसकी आग हल्की करें और इसको पकाते रहें, इसको फौरी उबाला आ जाता है। देखिए अब मैं इसके अंदर, अब दूसरा स्टेप हम रखेंगे। पहले स्टेप में हमने चावल शामिल किए थे, अब दूसरे स्टेप में मैं छोटी इलायची शामिल करूँगी। देखें पक रही है, और इसके अंदर ये मैंने इलायची के दाने निकाल के अब इसके अंदर शामिल कर दिए मैंने। ये फिन्नी जो है ठीक होना शुरू हो रही है, ये देखें ठीक होना शुरू हो रही है। अब ये ठीक होना शुरू हो रही है, तो मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी।
ये 1 कप के करीब ये खोया था, 1.5 पाव के करीब, ये मैंने सारा शामिल करना है। इसको चमचे को ज़रूर चलाते रहना है, चमचा नहीं आपने बिल्कुल भी छोड़ना इसको, इसलिए कि जब ये नीचे ना लगे, अगर ये नीचे लग जाएगी इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ज़रा सी भी नहीं टेस्टी बनेगी ये। बिल्कुल इसको हिलाते रहना आपने। मेरे ससुराल में ये डिश बहुत पसंद की जाती है, फिन्नी। ससुराल में मेरे बहुत शौक से सब खाते हैं फिन्नी को, और फिन्नी ज़्यादा पसंद करते हैं, स्वीट डिश के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे फिन्नी पसंद की जाती है। देखिए अच्छे तरीके से पकनी शुरू हो गई है। ये देखें खोया भी है जो, वो सब मिक्स हो गया है, ये बस एक पीस रह गया, ये भी मिक्स हो जाएगा, बाकी हमारा सारा खोया अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार होने वाली है ये फिन्नी। इस पैक क्रीम जो मैंने रखी थी ये भी मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें, ये देखिए, इसको भी मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। ये मैंने मिल्क के पैक क्रीम भी इसमें शामिल कर दी पूरी, 1 पैकेट इसमें क्रीम का शामिल हो गया, 1.5 पाव खोया, और 3 लीटर मैंने ऑयल इसमें डाला था, दूध था इसमें। ये देखिए अब मैं इसके अंदर, अब जब ये थीक होनी शुरू हो गई है हमारी फिन्नी, तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालें आप, अगर प्लीज़ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे को बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मुझे मेरे साथ शेयर करा करें, जहाँ पे मेरी गलती है यहाँ पे मेरा अच्छा लगा है आपको काम, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करा करें। ये चीनी अब मैंने इसमें शामिल कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसमें 1 कप 5 टीस्पून के करीब चीनी थी वो मैंने इसमें शामिल करी है, वो इसलिए कि मीठा चेक करके फिर मैं इसमें और भी शामिल कर सकती हूँ, मगर मेरे लिहाज से ये चीनी बिल्कुल परफेक्ट सही होगी इसके अंदर, बिल्कुल सही होगी इसके अंदर फिन्नी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा मीठी भी नहीं अच्छी लगती और फीकी भी नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल टेस्ट इसका अच्छा आए। ये देखिए फिन्नी की निशानी ये है कि जब ये पकनी तैयार होनी शुरू होती है तो इसके छींटे जो हैं वो पड़ते हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके छींटे उड़ने लग गए हैं, इसका मतलब है अब हमारी फिन्नी तैयार होने वाली है, ये बस सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट और लेगी और हमारी फिन्नी तैयार हो जाएगी, फिर हम इसको डिश में निकालेंगे और ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर बादाम की गिरियाँ शामिल करूँगी। ऊपर से लगाना चाहें आप ऊपर से लगा दें डेकोरेशन के साथ, अगर आपने अंदर डालनी है तो अंदर भी शामिल कर सकते हैं। बादाम की गिरियाँ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी आपके सामने, और हाफ बादाम की गिरियाँ मैं डेकोरेट करूँगी अपने, जिसके अंदर मैं उसके निकालूँगी स्वीट डिश को, मैं उसके अंदर शामिल करूँगी। ये देखें छींटे उड़ रहे हैं, ये हाथों पे भी बहुत ज़ोर की आते हैं, इसको एहतियात के साथ करें ताकि आपके हाथ पे भी छींटा ना उड़े। ये बिल्कुल इस तरह ही छींटे उड़ते हैं जैसे हम गजरेला बनाते हैं, गजरेले में भी यही निशानी है कि जब आखिरी होता है। फिन्नी बस पक गई है, अब हमने इसमें बादाम की गिरियाँ शामिल कर दी हैं आधी, और आधी मैं डेकोरेट करूँगी। ये मज़ेदार किस्म की फिन्नी तैयार है, मैंने थोड़ी सी टेस्ट की है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। अब इसको हम, आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें इसको। तैयार है, अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं इसको डिशवर करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी फिन्नी तैयार है, हमने इसको डिशवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। आप सब फ्रेंड को ईद मुबारक।